यार राजू भी नहीं आया, थोड़ा तो मजा आता। वो तो डूब रहे, मैं क्या करूं? मम्मी चुप हो जा, देखो प्लीज चुप हो जा, देखो हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी कैसा है बच्चा? कुछ कहा नहीं जा सकता सर, मामला सीरियस है। राकेश सिलेंडर लेके आओ जल्दी। प्रीति, तुम्हें तो अपने राहुल पे गर्व होना चाहिए। उसने किसी की जान बचाई है, अब किसी की जान बचाने से ज्यादा और नेक काम क्या होता है? अगर किसी और की जान बचाते बचाते अपनी खास जान मुश्किल में डाल दी उसने। देखिए, राहुल ने जो कुछ किया है वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, ऐसे बहादुर बच्चे कभी देखने को। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा राहुल? ओके, अब खतरे की कोई बात नहीं है। वैसे बहुत बहादुर है इनका बच्चा, अस्थमा होने के बावजूद उस आदमी को बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा, लेकिन अब उसकी जान का कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती है फिर बचाना मुश्किल हो जाता। काफी हिम्मत ही बच्चा है, एक बार भी नहीं सोचा उसने कि वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। मम्मी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी है ना? नहीं बेटा, आपने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। कैसी तबीयत है बेटा आपकी? आप? बेटा,
ये अभिजीत अंकल हैं, सीआईडी से। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। अरे तुम जानते हो मुझे? मैंने आपके और दया अंकल के हाथुरे के किस्से सुने, मुझे बड़ा होकर आप जैसा बनना है। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? वो आदमी एक एक अंकल को कुर्सी से बांध कर स्विमिंग पूल पर फेंक रहे थे। आपने उनका चेहरा देखा? कौन थे वो लोग? रात के 3 बज रहे थे, बहुत अंधेरा था। अरे वाह, आपको तो अंधेरे से भी डर नहीं लगता? मैं तो रात को 3 बजे अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकता। बेटा ये ऋषि हैं जिनकी जान आपने बचाई थी। थैंक यू बेटा, अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं राहुल का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे लिए राहुल किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। अगर ये अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता तो आज तो मैं विधवा। नहीं नहीं, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा राहुल और ऋषि दोनों सलामत है। इस ऋषि, आप हॉस्पिटल से छूटने के बाद जरा ब्यूरो आइएगा। ब्यूरो? हाँ, सीआईडी ब्यूरो। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना कि कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो मेरा सुहाग उजाड़ना चाहते हैं। अब ये तो आप लोग ही बताइए। मिस्टर ऋषि, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। वही तो दुश्मन है ऋषि जी, वरना आप पर ऐसे जानलेवा हमला क्यों करता वो? अब बिजनेस में छोटी मोटी टकराव तो होती ही रहती है, पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरी जान लेना चाहेगा। आप पूरी बात फिर से बताइए, रिसॉर्ट पहुंचने के पहले से। एक्चुअली हम रिसॉर्ट गए थे हमारी शादी की एनिवर्सरी मनाने, और फिर हमेशा की तरह आखिरी मिनट पर ऋषि की अर्जेंट मीटिंग आ गई। फिर मैंने श्रेया से कहा कि वो रिसॉर्ट पहुंच के चेक इन करे, मैं जल्द से जल्द उसे वहीं ज्वाइन करूंगा। तो आप रिसॉर्ट के लिए रात को निकले ऑफिस से? जी हाँ, मैं बस रिसॉर्ट पहुंचने वाला था कि रास्ते में 2 बाइक वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता तो उन्होंने मेरे फेस पे कुछ स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गया। अगर राहुल सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो वो हैवान तो ऋषि को बेहोशी की हालत में ही डुबो देते और मैं। अच्छा, उन लोगों ने आप पर कोई सामान वगैरह चुराया? जी नहीं, इनफैक्ट हमारी गाड़ी भी रिसॉर्ट में छोड़ गए वो लोग। तुम्हारी गाड़ी रिसॉर्ट में छोड़ गए? मतलब तुम्हें बेहोश करने के बाद तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें डाल के वो लोग रिसॉर्ट ले गए? इन सब बातों से एक बात तो समझ में आती है कि उन लोगों का मकसद सिर्फ तुम्हारी जान लेना था, लूटपाट करना नहीं। पर ये कोई ऐसा आदमी है जिसकी तुम्हारे से पर्सनल दुश्मनी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर, मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आ रहा। उस बाइक का नंबर देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं है, पर वो ब्लैक कलर की बाइक थी। अच्छा, किस किस को मालूम था कि आप रिसॉर्ट जाने वाले? हमारे सभी दोस्त जानते थे सर, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उन लोगों ने ऋषि को फिर से मारने की कोशिश की तो। डरिए मत, जब तक हम उन लोगों को पकड़ नहीं लेते तब तक हमारा ऑफिसर विवेक 24 घंटे आप लोगों के साथ रहेगा। हम लोग वो जगह देखना चाहेंगे जहां पे उन गुंडों ने तुम्हारी गाड़ी रोकी थी, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारी गाड़ी लेके रिसॉर्ट गए थे तो बाइक को वहीं कहीं छोड़ के गए होंगे। सर, यही वो जगह है जहाँ उन बदमाशों ने मुझे बेहोश किया था। तुम्हें पक्का यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, हाईवे से लेफ्ट लेके मैं रिजॉर्ट आने के लिए इसी रास्ते से आ रहा था, और ये पत्थर भी थे सर वहाँ पे, यही वो जगह है। ट्रेडिंग पूर्वी, इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, शायद कुछ मिल जाए।
उर्वी सर सर ये तो वही बाइक है जो उन बदमाशों के पास थी। मतलब अपनी बाइक को यहाँ पे छुपा के तुम्हारी कार में तुम्हें डालकर रिसोर्ट ले गए। तुम्हारी कार के एक्सीडेंट हुई थी इस बाइक के साथ? नहीं तो फिर ये मडगार्ड पे डेंट कैसा? डेंट देख के लगता है कि अभी भी एक्सीडेंट हुआ है। उर्वी ऑटो में फोन करके पता करो कि इस बाइक का मालिक कौन है। हाँ मैनेजर साहब। अच्छा ठीक है हम लोग आते हैं। सर रिसोर्ट के मैनेजर का फोन था, उन्होंने सभी मेहमानों को रोक के रखा है, कोई भी रिसोर्ट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बाकी की कुर्सियां यहाँ पे। सर मतलब वो कुर्सी इसी रिसॉर्ट की? उन्हीं उस कुर्सी को अपने साथ नहीं लाया? नहीं, साथ कहाँ से लेके आएंगे वो लोग? हाँ किसी को यहीं पे मारने का प्लान था उनका। सर पुल के आसपास तो खास कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो मैं ये समझो तुम हाथ धो के एक कोने में खड़े हो जाओगे? अरे नहीं सर, अगर मैं कोने में खड़ा हो गया तो केस कौन सॉल्व करेगा? तो कूदो पानी में, हाँ डुबकी लगाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ सर। स्विमिंग पूल तो नहीं गया ना? अरे नहीं सर, कॉलेज में मुझे स्विमिंग के लिए गोल्ड मेडल मिला था। कॉलेज में? रेडी तो बहुत पुरानी बात है। मुझे चैलेंज मत करना सर, मैं इतना तेज स्विमिंग करूंगा कि पूल के बाहर भी दूर तक स्विमिंग करता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा कूदो। हाँ सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब उन गुंडों ने ऋषि को सड़क पर बेहोश कर ही दिया था तो वो लोग उसे वहीं मार सकते थे, यहां पर लाकर डुबाने की क्या जरूरत थी? ये लोग उसे वहीं फेंक सकते थे। सर वो गुंडे ऋषि को यहाँ पर लेकर आए, हो सकता है कि होटल का कोई आदमी इसमें मिला हुआ हो। ऋषि को बेहोशी की हालत में उसी की गाड़ी में यहाँ अंदर लेके आए। किसी ने तो देखा होगा, वॉचमैन ने कैसे नहीं देखा? पढ़ना ना सब बाइक चलाते वक्त पहनते हैं। ST किसी के नाम का इनिशियल लगता है। सर ऋषि का तो हो नहीं सकता। हाँ मैनेजर साहब जरा पंडाना देखिए,
आपके मेहमानों में से किसी का तो नहीं? सर ये पुल तो हर रोज रात को साफ किया जाता है, अगर किसी गेस्ट का होता तो पहले ही मिल जाता। तो कल रात को छुटा होगा यहाँ पे जब वो लोग ऋषि को पुल में फेंक रहे थे। अच्छा आपके जितने गेस्ट हैं होटल में और आपके स्टाफ मेंबर्स यहीं पे है ना? जी हाँ सर, सारे गेस्ट और स्टाफ को इकट्ठा करके रखा है हमने, किसी को भी जाने नहीं दिया। ठीक है पूर्वी, ऋषि के कार की अच्छी तरह से तलाशी लो, तब तक मैं इन मेहमानों का हालचाल पूछ लेता हूँ। सर आप लोग हमारे से जैसे भी मदद चाहते हैं हम उसमें आपका पूरी तरह से साथ देंगे। बहुत अच्छी बात है, लोग अक्सर कानून की मदद करने से कतराते हैं, उन्हें लगता है कि क्यों बिना वजह मुसीबत में फंसे, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि सीआईडी और कानून उन्हीं की रक्षा के लिए। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं सर, आज जो बात ऋषि के साथ हुई कल वो हमारे साथ भी हो सकता है जी। इसलिए उस मुजरिम को पकड़ने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर। दैट्स गुड, जरा सोच के बताइए कि कल रात जब ऋषि के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप में से कोई कमरे से बाहर था, किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, उस समय करीब रात के 3 बजे थे और मैं गहरी नींद में सो रहा था, अचानक बाहर शोर सुनाई दिया तो मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं। फिर भी किसी को भागते हुए देखा हो या किसी परछाई की झलक देखी हो, कोई आहट सुनी हो? नहीं सर। शोर सुनने के बाद सबसे पहले कमरे से बाहर कौन आया? मैं आया था सर, राहुल की चीख सुन मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं तो मैंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया सर। ऐसी जरा ये बंडाना देख, कोई जानता है ये बंडाना किसका है? ध्यान से देखिए, शायद रिसोर्ट में किसी को ये बंडाना पहने हुए देखा हो। नहीं सर, मैं पिछले 1 हफ्ते से इस रिसोर्ट में हूँ लेकिन इससे पहने हुए मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा ऋषि का या श्रेया का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई बहस वगैरह हुआ था? नहीं सर, कल रात को यहीं थे, वैसे भी लोग रिसोर्ट में रिलैक्स करने के लिए आते हैं, लड़ने नहीं। हम जानते हैं लोग यहाँ रिलैक्स करने आते हैं, छुट्टियाँ मनाने आते हैं, तो यहाँ रिसोर्ट में खून करने की कोशिश की गई है और ये कोई छोटी बात नहीं है, हो सकता है तुम्हारे रिसोर्ट के किसी ने। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनेजर साहब, रिसोर्ट के मेन गेट पे ड्यूटी पे कौन होता है? बोला तुमने तो देखा ही होगा उन गुंडों को, ऋषि को बेहोशी के हालत में रिसोर्ट के अंदर लाते हुए। नहीं साहब, मुझे पता नहीं चला साहब। क्यों पता नहीं चला? ड्यूटी के वक्त फिल्म देख रहा था क्या? नहीं साहब, वो साहब मुझे थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है साहब, तो 2 बजते ही मेरी आंख लग जाती है साहब। तो मुझे भी यहाँ अपना काम कर रहा था, तुम गेट पे खर्राटे मार रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? रिसोर्ट का नाक कटवा दिया तूने, चलो अपना हिसाब किताब कर और निकल यहाँ से। नहीं साहब, साहब माफ कर दीजिए साहब, साहब मैं रोड पे आ जाऊंगा साहब। अरे साहब समझाइए ना साहब, साहब समझाइए प्लीज साहब, मैं रोड पे आ जाऊंगा, समझाइए ना साहब प्लीज साहब। अब रवि सर, सर ऋषि की कार पार्किंग लॉट में नहीं। क्या ये कैसे हो सकता है? श्रेया ने तो कहा था कि कार पार्किंग लॉट में है। सर मैंने एक एक कार का नंबर चेक किया पर ऋषि की कार वहां नहीं है। मतलब पार्किंग लॉट से कार गायब हो गई है। ये कार गई तो गई कहाँ और उसे कौन लेके गया होगा? फ्रेडी, ये हाईवे पे जो टोल नाका है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहीं से पता चलेगा ऋषि की कार कौन लेकर गया। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मेरी बाइक लौटा दी, मैंने तो इसे पाने की उम्मीद ही खो दी थी। मिस्टर विजय, आपकी बाइक चोरी कहाँ से हुई थी? कालिंदी मार्केट से सर, मैं वहाँ गया था भाजी खरीदने के लिए, मैं आलू और टमाटर में इस कदर खोया हुआ था कि कोई मेरी बाइक ही ले उड़ा। रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? यस सर। सर मानिक, सर बाइक में से 2 लोगों के उंगली निशान मिले, एक मिस्टर विजय के हैं, दूसरा किसी और का है। ये दूसरा निशान चेक करो डेटाबेस में, देखो शायद कोई पुराना पापी होगा। मैच हो गया। श्रीकांत तनुज, श्रीकांत तनुज मतलब ST, जो बंडाना हमें रिसोर्ट के स्विमिंग पूल से मिला था वो श्रीकांत तनुज का है। तो देखो फोटो है क्या सर? डेटाबेस में इसकी फोटो तो नहीं है, छोटी मोटी चोरियां करता है सर, ये ज्यादा बड़ा मुजरिम नहीं है। छोटी मोटी चोरियां करते करते खून करने निकल पड़ा। हेलो मिस्टर ऋषि,
मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। अच्छा, आप किसी श्रीकांत तनुज को जानते हैं? कभी नाम सुना? नहीं? नहीं, नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, हो सकता है किसी ने श्रीकांत तनुज को पैसे दिए हो ऋषि को मारने के लिए, पर है कौन वो आदमी? एक मिनट जरा पॉज करो। ये तो वही बाइक है विजय की, जिसे श्रीकांत ने चुराया था। लेकर एक मिनट इस गाड़ी का नंबर है MH01R8343। ये तो ऋषि की कार है। लेकिन टाइम नोट करो। ये फुटेज को फॉरवर्ड करो, हमें देखना चाहते हैं कि ये कार टोल नाके से वापस कब गई। फुटेज ये कैसे हो सकता है? ऋषि की कार तो वापस गई नहीं। 17 तारीख से लेके अब तक सारे फुटेज है इसमें, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, कुछ भी मिस नहीं हुआ। हमारे कैमरे 24 घंटे चल रहे थे। कमाल है, ऋषि की कार वहाँ रिसोर्ट में नहीं है, इस टोल नाके से वापस नहीं गई, तो फिर गई कहाँ? और शायद इन गुंडों ने कोई शॉर्टकट मार लिया होगा। नहीं निखिल, रिसोर्ट से शहर की तरफ जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है। इसलिए अगर वो लोग शहर की तरफ गए हैं तो उन्हें इस टोल नाके से ही गुजरना पड़ेगा। सर, इसका मतलब वो लोग शहर नहीं गए? हाँ, इसका मतलब ऋषि की कार रिसॉर्ट और चेक नाके के बीच में ही कहीं है। तू एक काम कर, रूम में देख, और तू रिसेप्शन में जाके देख उधर से भागा क्या। मैं इधर देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। सीमा, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? भागते हुए किसको? अभी थोड़ी देर पहले, जो इस हॉस्पिटल का ना हो। लेकिन हुआ क्या? उसने वो पेशेंट राहुल को मारने की कोशिश की। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग इलाज कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए और बाहर जाके खड़े होइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रीति, प्रीति प्लीज। अरे आप समझते क्यों नहीं है? प्रीति, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना। डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो अपना राहुल ठीक कैसे होगा? प्लीज। तुम्हारी ड्यूटी राहुल के पास देखभाल करने की थी ना, तो फिर कोई आके इसका ऑक्सीजन मास्क कैसे निकाल के गया? सर, मैं तो बस एक मिनट के लिए रिसेप्शन पे गई थी और उसी बीच में ये सब हो गया। टेट्रा डीओ इंजेक्शन तैयार करो। यस सर। टोल नाके से रिसोर्ट के बीच का सारा इलाका छान मारा, ऋषि की कार तो यहाँ कहीं भी नहीं है। कुछ तो है, कोई तो ऐसी जगह है जो हमसे मिस हो रही है। वो कार है यहीं पे,
इसी इलाके में। निकल, जरा यहाँ का मैप निकालो। ये एरिया भी देख लिया और ये वाला इलाका भी देख लिया, तो फिर बचा क्या? और ये सब सुनसान जगह भी देख लिया। कमाल है, गाड़ी ना टोल नाके से वापस गई और ना ही यहाँ पे कहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने ये सारा इलाका देख लिया है, सिर्फ ये। अरे हाँ, ये जगह हमारी नजर से कैसे छूट गई? नीला झील। सर गाड़ी झील में? मेरे राहुल ने किसी का क्या बिगाड़ा कि कोई उसकी जान लेना चाहता? प्लीज तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पकड़ा जाएगा वो जरूर पकड़ा जाएगा। देखिए घबराइए मत, कुछ नहीं होगा राहुल को, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कैसे ना घबराए, राहुल मेरा इकलौता बेटा, और बेटे को खोने की फिक्र क्या होती है ये आप क्या जानो? बेटे की खोने की फिक्र ही नहीं, बेटे को खोने का गम क्या होता है ये भी मैं समझ सकता हूं। भगवान न करे किसी भी मां बाप को ऐसे गम से गुजरना पड़े। मगर सर हम तो अपना राहुल खो ही चुके थे ना। देखिए अब आपके बेटे राहुल को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज बिल्कुल चिंता मत करना। सर मुझे तो लगता है कि जो हमला राहुल पे किया गया है और जो हमला ऋषि पे हुआ है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर सर शायद दोनों पे हमला करने वाले लोग एक ही हैं। सर वो लोग ऋषि को तो मार नहीं सके, कहीं इसीलिए तो राहुल पे हमला नहीं किया उन लोगों ने। ये राहुल जरूर उन गुनेगारों के बारे में कुछ तो जानता है जिसकी वजह से उन्हें खतरा है, और उन्हें डर है कि राहुल ये बात हमें बता न दे। सर फिर तो राहुल पे दोबारा हमला हो सकता है। सर हाँ हो सकता है, इसलिए हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग हैं कौन। वही तो ये लोग है कौन? विजय, राहुल जिस आईसीयू में था उस आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में क्या हो रहा था वो देखना है हमें 4 और 5 बजे के बीच। जी सर। सही रहा, दिखा। इस पर जूम करो। जी मैक्सिमम जूम करो, धीरे धीरे। सर ये मैक्सिमम जूम है। सर सचिन देखा? हाँ सर, लेकिन इतना जूम करने के बाद भी इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सचिन, जो नहीं दिख रहा है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। क्या सर? पूर्वी
इस फॉरवर्ड के हाथ देखो आप। सर ये तो लड़की के हाथ है। एग्जैक्ट, हाथ भी लड़की के हैं और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। मतलब सर इन गुनहगारों में एक लड़की भी शामिल है। हाँ सचिन, गुनहगारों में लड़की भी शामिल है। उठा और ऊपर उठा। माय गॉड, गाड़ी पीछे उठा और उठा और। आराम से ऊपर लो। अच्छी तो लेके आओ। आराम से लो, नीचे लो, नीचे लो, नीचे। जीरो वन आर 8343। गाड़ी तो ऋषि की है। माय गॉड, अभिजीत मुझे लगा था इस केस में कोई खून खराबा नहीं है, मगर एक लाश मिली गई। तो उन लोगों ने ऋषि को पानी में डुबोने के बाद उसकी कार का इस्तेमाल किया है लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लाश को देख के लगता है कि 24 घंटे पहले मौत हुई है इसकी। इसका एग्जैक्ट टाइम तो तरुण के साहब ही बताएंगे। चाकू के घाव लगते हैं, 4-5 बार मारा है। मोबाइल पर्स कुछ नहीं है। निखिल इसकी फोटो ले लो मोबाइल पे और ऋषि को MMS करो, देखो इस आदमी को पहचानता है क्या वो। उससे कहो कि ये लाश उसके कार के डिक्की में मिली। सर ये ऋषि फोन नहीं उठा रहा है। तो श्रेया को फोन लगा। सर ये श्रेया भी फोन नहीं उठा रही है। हाँ? एक मिनट जरा विवेक को फोन करता हूं। कमाल है, विवेक भी फोन नहीं उठा रहा है। तीनों लोग फोन नहीं उठा रहे, कहीं वो फोन ही ऋषि के घर तो नहीं पहुंच गया। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। प्रीति जी, आपका ये राहुल इतना बहादुर बच्चा है, मौत से भी भिड़ने के लिए डरता नहीं है। इसकी हम जितनी तारीफ करें ना कम है। थैंक यू अंका। राहुल देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सही सही जवाब दोगे? अंकल कुछ भी पूछ ले जब, पर मैक्स का सवाल मत पूछना, मुझे डर लगता है। अरे इसमें मैथ्स से क्या डरने वाली बात है, तुम एक बार ठीक हो जाओ तो मैं सिखाऊंगा मैथ्स तुम्हें। अच्छा राहुल एक बात बताओ, जब तुम ऋषि को पानी में डूबने से बचा रहे थे उस वक्त वहां पर कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ वो दो आदमी ही थे। कोई लड़की वगैरह नहीं थी? नहीं अंकल, लड़की तो नहीं। अच्छा लड़की नहीं थी मगर दो आदमी थे। हाँ सर। कुछ और बताना चाहते हो बेटा, कुछ याद आता है? ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, पर
देखो बेटा, यहाँ ये सब लोग हैं ना, सब अपने ही हैं। डरो मत, बताओ। अंकल, वो जो ऋषि है ना, वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। क्या? ऋषि ऋषि नहीं है मतलब? जिस आदमी को मैंने डूबने से बचाया था, वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। ओह, तो वो आदमी वो नहीं है? नहीं। अच्छा राहुल, तुमने तो उसे डूबने से बचाया है, तुमने उसकी शक्ल भी तो देखी होगी, हैं? वो दिखता कैसे है? नहीं अंकल, शक्ल तो नहीं देखी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि क्या वो हट्टा कट्टा था, लंबा था या गिड्ढा था? अंकल वो लंबा भी नहीं था और हट्टा कट्टा भी नहीं था। ना लंबा था ना हट्टा कट्टा भी था, कुछ और याद आता है तुम्हें? है? आदा। अच्छा ये बात है सर, ना विवेक फोन उठा रहा है और ना ही ऋषि, और ये कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, अंदर कुछ हो तो नहीं क्या? सचिन जरा दरवाजा खोलो। सर लगता है घर में कोई नहीं। ऐसा होता तो विवेक हमें इन्फॉर्म करता, उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ और ही बात है। चेक करो घर को अच्छी तरह से। सर सर जल्दी आइए। ऋषि सर, तुम मार गया? लगता है चाकू मारा है। इसके पेट में चार पांच जगह मारा गया चाकू। के गले पे ST लिखा हुआ है। ST? ये ST क्यों लिखा है इसने? इस कहीं श्रेया तो नहीं? श्रेया का नाम तो श्रेया कुमार है, SK लिखा होना चाहिए था। ST कौन हो सकता है? ST तनुज, श्रीकांत तनुज। श्रीकांत तनुज, सर ये तो वही आदमी है ना जिसने विजय की बाइक चुराई थी? हाँ, राहुल कह रहा था ना ऋषि ऋषि नहीं है, ये आदमी ऋषि नहीं है, ये आदमी है श्रीकांत तनुज। अगर ये ऋषि नहीं है तो ऋषि कौन है सर? ऋषि वो आदमी है जिसकी लाश हमें झील में से मिली है, गाड़ी के अंदर से। ओह माय गॉड, विवेक विवेक तुम ठीक तो ना? विवेक, माय गॉड, सर, विवेक, विवेक क्या हुआ? हाँ, सिर के पीछे चोट लगी हुई सर, बेहोश है। विवेक उठ जा विवेक, मैं आइंदा तुझसे कभी मजाक नहीं करूंगा विवेक। फ्रेडी, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ बस। हॉस्पिटल ले जाओ, रेडी। क्या हुआ? सर, श्रेया जिंदा है? जिंदा। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो इसे, जल्दी। Yeah.
कौन मारेगा तुम्हें श्रेया? इसने मेरे ऋषि को मुझसे छीन लिया। देखो श्रेया, ऋषि के खूनी को तो हमने पकड़ लिया। पकड़ लिया? कौन है वो? कौन है वो सांप? सांप नहीं, लोमड़ी है, जिसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। मतलब कोई लड़की? एक ऐसी लड़की जिसे अंगूठी पहनने का बहुत शौक है, खासकर ये वाली अंगूठी। और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, अंगूठी तो पहन ली, अब हथकड़ी का जेवर भी पहन लो अपने हाथ में। क्यों ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है सर? मैं आपको सच बताऊंगी। अरे रे, सीआईडी से बचकर भाग रही है? ऋषि को मैंने ही मरवाया है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपने इस सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ दिया? हाँ, पैसों के लिए। ऋषि की मौत से मुझे 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे इंश्योरेंस के। देवा रे देवा, कैसी वाइफ हो तुम, पति से ज्यादा पैसों से प्यार। मेरी वाइफ सुनेगी तो? और तुमने श्रीकांत को सुपारी दे दी ताकि वो ऋषि को मार दे। हाँ, लेकिन श्रीकांत और उसके बेवकूफ गुंडे ने ऋषि की लाश को बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता चल जाता कि ऋषि का खून हुआ है तो पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते। और इसीलिए तुमने राहुल के बेहोश होते ही ऋषि की जगह श्रीकांत को लिटा दिया और उसके बाद ये नाटक किया कि श्रीकांत ही ऋषि है। हाँ, और तब श्रीकांत के गुंडे ने ऋषि की लाश को गाड़ी में रखकर झील में ढकेल दिया। और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया तुमने श्रीकांत को भी खत्म कर दिया है? हाँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका था, फिर श्रीकांत की क्या जरूरत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो राहुल जैसे एक मासूम बच्चे की जान लेने की भी कोशिश की। क्योंकि राहुल ने पहचान लिया था कि ये आदमी ऋषि नहीं है। तुम्हारी आत्मा से इतनी भी आवाज नहीं निकली कि जो तुम कर रही हो गलत है? सोने के सिक्कों के खनखनाहट के आगे सारी आवाजें दबकर रह जाती है सीपी साहब। तो फिर उन्हीं सिक्कों की खनखनाहट को सुनते सुनते डर जाओ हाथी पर। दो दो खून जो किए तुमने। मुझे देना, मुझे देना, एक बार तू चॉकलेट खा। राहुल ने हमें बताया था कि उस आदमी की जान बचाते वक्त उसे डर लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। भाई हम इंसान, डर स्वाभाविक है, मगर असली वीर वही है जो डर पे काबू पाए और वही करे जो उसका दिल चाहे, जैसा राहुल ने किया। हर इंसान के अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जरूरत है उसे जगाने की। अन्याय और अपराध होता देख मुंह मत मोड़िए, डट के उसका मुकाबला कीजिए, इसी का नाम तो बहादुरी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।